अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है? तो जल्दी से देखना इंट्रो। Told you not to worry, but maybe that's a lie. तो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा इंट्रो। आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों ने काफी एंजॉय की होगी, मजा आया होगा। तो हम लोग अब ले आए हैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे। रिक्वेस्ट इतनी थी इसकी, इतनी थी कि क्या बताया हम आपको। तो बस इस रिक्वेस्ट पे हम ले आए हैं फादी वर्सेस नोमोलॉजी पार्ट 3, राउंड 3 जो हुआ था ना उनका, उसका बैटल का। तो फिर स्टार्ट करें, क्योंकि मैं मतलब मैं कहने वाली थी मजा तो आता है सुनते में, मतलब इसको आता है, मुझे भी आता है। मतलब हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और हम सुनेंगे आपके साथ। बस अभी कहीं जाइएगा मत, हम आते हैं। आप लोग कहीं गए नहीं होंगे और आप लोग अपने कानों में हेडफ्रीज खुश ली होंगी। ट्रांजिशन से आ गए हम। ओके, हम एकदम आ गए हैं। अच्छा, तो क्यों इसको समझ में ही बात करना पड़ता है? ये समझती है न्यूज़कास्टर है ये। हम आते हैं ब्रेक के बाद। इसका है दिमाग खराब। सो गाइस, इसको क्या अच्छा क्या अच्छा मुझे लगा वो शुरू से लगाना है, वो बीच में था ना। अभी लोग नीचे Round 3. This is Dangle. Nomology, let's go. Yeah, that's right. Yes, get started. मैं तो सुनिया बचपन बनांगा पायलट फिर CS. Sorry. सुनिया बचपन मैं बनना पायलट. Yeah, that's right. Yeah. सुनिया बचपन मैं बनना पायलट फिर इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ते बाबा कहंदा LNO में पत फोड़ पोत फड़ सी बना ले करियर पर तेरे वर्गे फेक मुंडे बनदे इथे CR वदांदे PR ते कुछ गिटार उते कंपोजिशन AR एडे तुसी रॉक रैप सर पर मैं नोमोलॉजी नहीं पता मेरी राह की मकसद की मेरा ना कॉन्सेस या जाना फास्ट यूनिवर्सिटी मैं ते CIIT रखी रैप गेम स्ट्रॉन्ग तुरंत भी कचाड़ दासी नाच दासी टैप दासी हिप हॉप रिप्रेजेंट कर दासी ते कि नहीं पता सी शहीर दी परवास शबीर दा मुंडा मलक दाने यार उदी बीट सेंस चला कर स्पीकर हल्ला मैं हिप हॉप ते मैं हिप हॉप तू फुल फ्लॉप मैं शॉन्टर टॉप तू जा मैं होला हूँ मैं तेरे नहीं मिस मैं हिप हॉप तू फुल फ्लॉप मैं शॉन्टर टॉप तू जा मैं होला हूँ मैं तेरे नहीं मिस है तेरी कट दर रू ते अजय भी पीछे खलोता मेरा सारा करू ते तेरे वर्गियां दिया जी होनी पीपा पापा पूपा पापा पीपा पापा पू Now full motherfucker representing 42. You know how we do it. I got a 72. Level नहीं है इतना. मैंने तो तेरे नाल बैटल नहीं तेरे गाने सुन दी भी लोड नहीं तू बिना ऑडियंस वेखे बस फिर सिर थल करे मिन मिन बस करी जावे ते जाके वेख मेरी वीडियोस तेनू परफॉर्मेंस दा थोड़ा कोई चज आवे जाके मेरी वेख वीडियोस तेनू परफॉर्मेंस दा थोड़ा कोई चज आवे तो रैप च मेरी मिसाल तेरी मिसाल बनके तो रैप च तेरी मिसाल जैमे कोई टीम जिम्बावे मैं जैमे शुएब अख्तर तेनू यॉर्कर ते बॉक्सर करावे बातें कर रहे हैं मतलब इनकी बातें भी राइम नहीं कर रही मतलब ऐसा लग रहा है कि बैटल नहीं हो रही बातें हो रही हैं मतलब कुछ तो फील आना चाहिए ना तो मतलब अभी तक तो नहीं नजर आ रहा कुछ एफर्ट इतना अब देखें आगे तो बिना हाउस डैड तेरा होना क्लीन बोल्ड तेरा स्कोर डक पर हट अगे खलोता लुम्मा जट वेख अवेख जिड़ा तू मेरा उखाड़िया कख मेरी बास जमे पाव दा वुड़ा मुका ओ सारी कौम बोल ते तू ऊआ की ओ ओ
के ओ भावे अगला टोकन होर ला मैं ते कहना हम भी ना ले आ तूने सही बोला कि हमजी मेरे साथ है पर तू मुझे ही हरा ले तो बहुत बड़ी बात है इंसान कम इंसान ज्यादा में मरे ऐसे सो हरामी थे तब हुआ पैदा में हमारे बारे में ये बिना सोचे समझे बोल देते हैं पर याद रखना पिंडी बॉयज पेंडू हो या जैसे भी मगर तुम जैसों की गांड खोल देते हैं सिर्फ जॉइंट मारने से कोई नहीं बनता रैपर जो मेरा लेवल चाहिए सफर और थोड़ा तय कर या रहने दे इससे बिना होगा कोई फायदा क्योंकि ऑडी को नहीं पकड़ सकती सोराब साइकिल कर दिया क्लीन स्वीप आके तेरे होम ग्राउंड में ये बात साबित कर दी मैंने पिछले दो राउंड्स में तेरे हाथ में फॉल्ट ना कर ब्लेम तू पेन को होंगे लंच से ही लिरिक्स यार जब लिखने वाला ही लंच है होंगे लन से ही लिरिक्स यार जब लिखने वाला ही लन हो कोई एक चीज बता दे जिसमें तू मुझसे बेहतर है तेरी आवाज भी भिकारी वाली जैसे तू गीता बेंस हो तू जब तक लिखे एक लफ्ज मैं लिख दूं पूरा सेंटेंस जो तेरी छठी हिस्सा वो मेरी कॉमन सेंस मान ले तुम्हें लिरिकली तुझसे स्ट्रांग हूँ तू जू का चिंपैंजी तो मैं ठहरा किंग कॉन्ग अब नहीं करेगा पीपा पापा पूपा पापा क्योंकि क्योंकि आज सामने खड़े इसके असली पापा नहीं पढ़ते ऐसे मसलों में जो होते नहीं हैंडल देखना अब बन गया तेरा भी स्कैंडल तेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी अब वो भी नहीं रही इसका इस केक ने काट दिया केक तेरा बिना ब्लो किए कैंडल्स केक मुझे कह रहे थे इसी केक ने काट दिया केक इनका बिना ब्लो किए कैंडल्स दाढ़ी भी नहीं फिर भी तुम सारों पे भारी हो कौन कह रहा है तेरी ले ली ऐसे जैसे डक्की भाई ने किया था शामी दरीस को रोस्ट मेरे फैंस को तेरी हार का वेट जैसे खानी ड्रामे की लास्ट एपिसोड ओए मुझे मार के तू खा भी ले तो आनी तुझे ही मौत क्योंकि फादी उस जहर का नाम जिसका अब तक बन पाया ना एंटीडोट यार एक छोटा सा लॉजिक तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि इस बैटल में तेरा घाटा अगर यही होता एग्जाम और होती ओपोनेंट में चॉइस मुझे चूज करने से पहले सोचता तू ट्वाइस यार फादी में है कुछ तो खास बात तभी बड़े आर्टिस्ट भी देने लग गए दाद हार जीत का नहीं पता पर दावे से कह सकता हूं एक बात तुझे जिंदगी में जब जब होगा दर्द आएगी इस बैटल की याद तेरी जगह मेरे एल पे जैसे तू मेरी एक्स बिच तेरा रैप करियर एक ही जगह ठहरा जैसे लगी उस पे वैक्स और 10 सालों बाद भी वो ठहरा ही रहेगा तस्लीम कर ले पुत्र क्योंकि यही है फैक्ट खैर सुना है तू कह
कहता एवरीथिंग इज पॉसिबल, सुना है तू कहता एवरीथिंग इज पॉसिबल, फिर रॉक कोट ये ले पकड़ और गांठ से तोड़ के दिखा। ऐसे लड़के सिर्फ उठाने के आदी होते, ऐसे लड़के सिर्फ उठाने के आदी होते, फेमस यहाँ पे तो देखते ही कहते काश आप मेरे वालिद होते। तुम सब याद किया करोगे एक होता था नोमोलॉजी, क्योंकि आज के बाद दोस्तों नो मोर नोमोलॉजी। भाई बैटल के बाद गले भी मिलते हैं यार। बस यार कसम से उसकी तो नींदे हराम हो गई होंगी लिटरली, पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद सोने का आजा मत में गले लगा ले तो। भाई क्या मतलब क्या राइमिंग थी, खत्म बिल्कुल वल्ला यार, मतलब बंदा अपने लेवल का बंदा देख के ना प्लीज बैटल रखे वरना ये हाल होता है भाई साहब। वो बंदा एंड में लिटरली खुद ऐसे ऐसे कर रहा था कि मतलब मैं गया खत्म, मतलब सच में यार मतलब नींदे नहीं उड़ी इस बंदे की मुझे तो। मैं तो सुन सुन के वो बातें जो जो कहीं है पादी ने तोड़ के दिखा क्रोध तोड़ भैया ठीक है। खैर गाइस बहुत ही जबरदस्त बैटल थी, सुनने में मजा आया, हमने तीनों राउंड आप लोगों के साथ सुने, इसकी बड़ी हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी और मेरा पाँव अकेले सो गया गाइस, और मैं क्या बोलूँ मुझे अभी भी हंसी आ रही मुझे बहुत हंसी आ रही है, सारी बातें फिर दिमाग में आ रही है मेरी। खैर एनीवेज खैर नोमोलॉजी जो है चारे क्या कह सकते हैं नो मोर नोमोलॉजी एनीवेज उन्होंने भी अच्छा मतलब किया शुरू का राउंड उनका अच्छा था, स्टार्ट किया बीच में थोड़ा सा ना मतलब बीच में डाउन, वो लाहौरी है अगर तो मुझे लाहौरी समझ नहीं आती तो मैं आधे समझ भी नहीं पाई। हाँ, वो सही था बात, और फातिम उर्दू में कर रहे थे तो हमें सही समझ आ रहा था, और वो कर रहे थे पता नहीं किस लैंग्वेज में, पंजाबी थी या पता नहीं पटवारी थी या क्या बोल रहे थे वो, खैर इतने वर्ड समझ नहीं आ रहे थे हमें, लेकिन फिर भी राइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बॉडी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, चिल्लाने से मत गाने क्या बॉडी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, लव्स कम तो इस तरह नहीं होता ना, इतना कौन लिखता है सर 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 अंदर ही घुस गए थे उसके, वो कह रहा है क्या भाई वो इतने मतलब पीस से खड़ा हुआ था फादी, हमें लगा कि यार ये तो बड़ा चुपचाप सा लड़का है, जब ये स्टार्ट में देखा ना हमने पहले राउंड में, हमने कहा ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसने तूफान से पहले खामोशी खामोशी होती है हमेशा, याद रखें तो किसी भी इंसान को छेड़ने से पहले याद रखें कि उसके अंदर पता नहीं क्या चीज कैद हो, आजकल फादी भी सुनेंगे। तो गाइस इंशाल्लाह न्यू वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहें, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं जाके फॉलो कर लें ताकि हम कोई भी अगर अपडेट वगैरह लगाएं अबाउट यूट्यूब वीडियोस जैसे लेट हो जाती हैं तो आप लोग को पता चल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।